सो गाइस आज हम आ चुके हैं फतेह चंद की कचौरी सिविल लाइंस नियर सेंट जेवियर स्कूल। आज हम देखने वाले हैं क्यों इस कचौरी को बेस्ट ऑफ द दिल्ली कचौरी का टाइटल मिल रखा है और क्या इसमें ऐसा यूनिक है कि दिन की 4 से 5 हज़ार कचौरियाँ भैया की रोज बिक जाती हैं और टाइमिंग सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक सारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मैक्स टू मैक्स अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 3 बजे तक मैक्स टू मैक्स कुछ मिल जाए यहाँ पर खाने को, बट 2 बजे तक ऑलमोस्ट सब चीज़ें इनकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या यूनिकनेस है इसमें और बात करते हैं कि क्या कहानी है इस चीज़ की और क्यों इतनी यूनिक है, क्या तरीका है इसका। तो भैया ने पहले पतीले में छोले लिए थे, उसके ऊपर कुछ मसाले डाले उन्होंने प्लस कुछ सॉल्ट, और अब ये हरी चटनी और अब ये नींबू डलने जा रहा है इन छोलों में। तो गाइज जैसे मैंने भैया से पूछा कि भैया आप कब से लगा रहे हो कचौरी, तो भैया ने बताया कि ये कचौरी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये इनके नाना जी का है। इनके नाना जी पहले कचौरी लगाया करते थे। और एक ख़ास बात आपको मैं बता दूं, जो ये आप साइकिल देख रहे होंगे ये साइकिल भी इनके नाना जी की है। तो मतलब कि ये उसी टाइम से लगा लीजिए, इसे ट्रेडिशन है या फिर एक तरीके की ये लेगेसी कह सकते हो आप कि ये उसी साइकिल पे कचौड़ी लगाते हैं उसी स्टाइल में उसी वे में बिल्कुल एक सिंपली तरीके से। तो अब भैया छोलों को मसालों के साथ बढ़िया तरीके से मिलाते हुए जिससे एक बढ़िया टेस्ट आए, एक बढ़िया स्वाद आए। तो लीजिए गाइस हमारी कचौड़ियाँ आ चुकी है जिस तरीके से मेरे सामने रखी गई हैं, और जो एक आवाज़ आई है वो करारेपन की, तो आप लगा सकते हो कि किस कितनी करारी होंगी ये कचौड़ियाँ, कितनी खस्ता होंगी। और भैया फटाफट ये छोलों का मसाला कह लीजिए या छोले कह लीजिए कचौड़ियों के ऊपर लगाते हुए फटाफट स्पीड देखिए भैया की कितनी तेज़ है। कम से कम लगा लीजिए एक बारी में कम से कम 20 से 30 ऑन एवरेज पत्ते लगते हैं, और मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट लगते होंगे और सारे सेल आउट हो जाते हैं। उसके बाद भैया फिर से छोले प्रिपेयर करते हैं, फिर से कचौड़ियों पर लगाते हैं और फिर से इन्हें पत्तों में रखा जाता है और इनको प्रेजेंट किया जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं एक बात कि एक पत्ते की कीमत है 35 रुपये बस, जिसमें 2 पीस कचौड़ियाँ आती है। तो देखिए किस स्पीड से इनको कचौड़ियों को लगाया जा रहा है पत्तों पे, और पत्तों का स्टाइल भी देखिए बिल्कुल ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड स्कूल टाइप, एकदम जो ट्रेडिशनल हमारे इंडिया में होते हैं वैसे पत्तों पे लगाया गया है। अब भैया इनके ऊपर मसाले डालते हुए, सबके ऊपर मसाले छिड़कते हुए, अपने छोलों में जो मसाला डाला था वही कचौड़ियों के ऊपर वापस डाला है। और ये स्पेशल भैया की इमली चटनी है। भैया से बात करी तो भैया ने बताया कि लोग स्पेशली खा लिए इमली चटनी पैक कराने भी आते हैं, लेके भी जाते हैं घर पर। तो अब ये इमली चटनी डलती हुई, और एक चीज़ और बता दूँ कि कचौड़ियों के बीच में जो 2 पत्ते छोले के लगे हैं, तो ये बेसिकली भैया छोले कुलचे भी लगाते हैं और कुलचा रोल भी लगाते हैं, तो उनके पत्ते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्याज डलती हुई, इससे पहले भैया ने हरा धनिया और अदरक भी डाला था इसके ऊपर, तो आप लगा सकते हैं कितनी शानदार इसकी प्रेजेंटेशन होने वाली है, कितनी कलरफुल ये लगती है, कितनी अट्रैक्टिव ये लगती है। तो किसी बंदे का कैसे ना करे इसे खाने का मन। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है, और भैया स्पेशल नैपकिन भी प्रोवाइड कराते हैं जिनमें इनकी अपनी ब्रांडिंग होती है फतेह चंद की कचौरी। तो नेक्स्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं छोले कुलचों की प्रिपरेशन, की यहाँ छोले कुलचे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भैया ने जैसे बताया यहाँ गर्मा गर्म छोले कुलचे मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टाइल से ये छोले कुलचे की प्लेट में लगते हुए। तो ये हमारी प्लेट लग रही है छोले कुलचों की, और ये छोले मिक्स करते हुए भैया मसालों के साथ इसमें कुलचों के ऊपर रखा भैया ने, और इसमें वापस से इमली की चटनी, हरी चटनी, धनिया, अदरक और प्याज। तो गाइस बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर लाइक करिए, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर। थैंक यू।